हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ कैलोरीमीटर. लास्ट टाइम जो हमने प्रीवियसली स्टडी किया पिछले टॉपिक में दैट वाज द ग्लास कैलोरीमीटर एंड दिस टॉपिक इज अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ कैलोरीमीटर जो के है बॉम्ब कैलोरीमीटर. ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स तो नहीं लेकिन ये ग्लास कैलोरीमीटर से थोड़ी सी एडवांस्ड शक्ल है कैलोरीमीटर की एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द एक्यूरेट अमाउंट ऑफ हीट. जो एंथैल्पी है आपके पास वो एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम बॉम कैलोरीमीटर को यूज़ करते हैं और इट इज़ यूज्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो सैम्पल लेना पड़ता है जिसकी हमने एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है वो बहुत ही जौन सा है, वो मतलब ग्राम्स की शक्ल में हम 1 ग्राम सैंपल का लेते हैं. लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें अपने ग्लास किलोमीटर में तो हमने जो एग्ज़ाम्पल स्टडी की थी उसमें 200 ग्राम मटेरियल हमारा इस्तेमाल हुआ था. तो उस हवाले से भी ये एफिशिएंट है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द कम्बसन एंथैल्पी ऑफ कम्बसन. बेसिकली हम इससे फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी चीज़ को जलाने से हमारे पास कितनी एनर्जी निकलेगी. एंथैल्पी ऑफ कम्बसन ऑफ डिफरेंट फूड या फिर फ्यूल जो हमारे पास हैं उनको कम्बसन ऑफ एंथैल्पी डेल्टा एच नॉट सी फाइंड आउट करने के लिए हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं. अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ या इसकी वर्किंग की तरफ कि ये जो है किस तरह से जो है वो वर्क करता है. तो इसके लिए दिस इज़ द डायग्राम विच विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर. सबसे पहले देखें दिस इज़ अ चैम्बर. ये जो बाहर आउटलाइन ब्लैक लाइन है दिस इज़ द इंसुलेटेड कंटेनर. ये एक इंसुलेटेड कंटेनर है, इसके अंदर ना हीट इन और ना हीट आउट होगी. नो हीट इन और आउट ये पॉसिबल नहीं है. दिस इज़ एन इंसुलेटेड कंटेनर, हीट इन भी नहीं हो सकती, हीट आउट भी नहीं हो सकती. यहाँ से इस एरिया को खोल के उसने इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ. उसके अंदर एक जो कंटेनर है दैट इज़ फिल्ड विद वाटर. ये वाटर के अंदर फिल्ड है और इसके अंदर एक कप है जिसके अंदर हम सैंपल को लेते हैं. जिस चीज़ को भी बर्न करना है उसका 1 ग्राम 2 ग्राम जो है वो हम लेते हैं. तो दिस इज़ द कप विच इज़ होल्डिंग दी सैंपल. इसके अंदर एक क्रूसिबल होती है जिसके ऊपर हम अपना सैंपल जो है वो रख देते हैं. क्रूसिबल के ऊपर सैंपल रखते हैं जिसको इग्नाइट करना, जिसको जला के उसकी हीट फाइंड आउट करनी होती है. अब यहाँ तक तो समझ आ गई आपको. उसके बाद जो है आपके पास, अब आपको पता है कि कम्बशन जो होती है, कम्बशन एक ऐसा प्रोसेस है विच रिक्वायर्स 3 थिंग्स. हमने इसको पहले भी बात किया था. पहली चीज़ होती है हीट, कि उसको जलाने के लिए कोई चीज़ हीट चाहिए. दूसरी चीज़ होती है फ्यूल, कि आपके पास जिसने जलना है वो भी मौजूद हो. और तीसरी चीज़ होती है ऑक्सीजन. तो यहाँ पर उन तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी करने का इंतज़ाम है क्योंकि वी हैव टू फाइंड दी कम्बशन एंथैल्पी. तो जब हम उसको कम्बस्ट करेंगे तो आपको 3 चीज़ें देनी होंगी. तो सबसे पहली चीज़ है आपको ऑक्सीजन देनी है उसको. ऑक्सीजन के लिए ये O2 इनलेट है. अगर आप ये देखें दिस इज़ दी इनलेट फ्रॉम वेयर हम ऑक्सीजन इसको देते हैं. ऑक्सीजन सप्लाई कर दी. फ्यूल आपका ऑलरेडी क्रूसिबल के ऊपर मौजूद है. दिस थिंग इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन क्रूसिबल. रह गई तीसरी चीज़ जो कि है हीट, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास कोयला है या आपके पास कोई गैस है जिसको आपने जलाना है तो आपको उसको जलाने के लिए सबसे पहले एक शोले से आग लगानी पड़ती है. यू नीड टू इग्नाइट दैट फ्यूल. तो अब फ्यूल भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन आग तो नहीं लगेगी जब तक कि आप उसको शोला नहीं देंगे. तो वो इग्निशन का जो सिस्टम है वो ये है कि ये प्लस और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल लीड्स हैं जो कि सैंपल को इग्नाइट करने के लिए हैं. इनको अगर आप फॉलो करें इन तारों को तो ये इस कप तक जा रही हैं एंड दीज आर द फाइन, ये जो उनसी अंदर हैं ये दीज आर द फाइन वायर इन कॉन्टैक्ट विद सैंपल्स. तो जैसे ही ये कॉन्टैक्ट के साथ डायरेक्टली सैंपल के
के साथ जो है कांटेक्ट में है, आप यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और वो वोल्टेज यहाँ पे इसको आग लगाने का अमल जो है वो करता है। जैसे इलेक्ट्रिकल हमारे पास जो से हैं वो लाइटर्स होते हैं लाइट जलाने के लिए, आग जलाने के लिए। तो तीन चीज़ें जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कम्बशन की, वो हमने इसके अंदर कर दी पूरी। अब क्या होगा, ये चीज़ जो है, जो सैंपल आपने लिया था, इट विल स्टार्ट बर्निंग। आपने इसको इंसुलेट कर दिया, इसको ऑक्सीजन दे के स्क्रू वॉल्व बंद कर दिया, ये सिस्टम अब सेपरेट है। इसके इर्द गिर्द वाटर है, दिस इज़ दी वाटर, ये सारा का सारा सिस्टम वाटर के गिर्द जो है वो हो रहा है। दिस इज़ द स्टरर, वाटर को आप क्या करेंगे, स्टर करेंगे। क्यों, अगर स्टर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अगर यहाँ पर हीट है तो वो इस वाले वाटर को गर्म करेगी और ऊपर वाला वाटर जो है वो ठंडा रहेगा। लेकिन हमें पूरे के पूरे वाटर को स्टर करने से ये होता है कि वाटर इसके गिर्द गिर्द घूमता है और वाटर का टेम्परेचर यूनिफॉर्मली बढ़ता है। तो ये को स्टरर हमने लगाया, ये इसकी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ये स्टरर घूमेगा। मोटराइज्ड है अगर इलेक्ट्रिकल है तो मोटराइज्ड है, अगर हैंड वाला है तो वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन बॉम कैलोरीमीटर में नॉर्मली मोटराइज्ड ही होता है, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। आपने इसको घुमाया, स्टर किया, ये स्टरर का ऑपरेशन है। और आखिरी चीज़ इज़ दिस, ये थर्मोमीटर आपने लगाया जो कि टेम्परेचर मेजर करेगा। तो आपने रिएक्शन को शुरू करने से पहले रूम टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेना है और रिएक्शन के ख़त्म होने के बाद आपने फाइनल टेम्परेचर भी जो है वाटर का वो हमने फाइंड आउट कर लेना है। और वो हम कैसे करते हैं, वी फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स। स्टर करते रहते हैं और 30 सेकेंड के बाद, उसके इंटरवल के बाद उसका टेम्परेचर जो है वो देखते रहते हैं अनटिल। और कब तक देखते रहते हैं, जब तक हमारे पास हमारा जो सैंपल है, ये जो कप में सैंपल था, इट इज़ कम्प्लीटली कम्बस्शन, जब कम्प्लीट हो जाए कम्बस्टेड, तो उस वक्त तक आप जो है इसकी वैल्यू जो है 30 सेकेंड के बाद वाटर का टेम्परेचर मैयर करते रहते हैं और नतीजतन आपके पास रीडिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। ये था जी ऑपरेशन ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर के, कैसे जो है ये काम करता है। अब हम चलते हैं इसकी फाइंड आउट के लिए कि आपने जो है इससे हीट जो है कैसे निकालनी है। तो इसके लिए जो इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन फॉर बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम कैलोरीमीटर के लिए आपने जो है इक्वेशन है वो है क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी। ये बेसिकली सेम इक्वेशन है जो कि उसके लिए थी, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। लेकिन ये जो एम एस होता है, एम को जब मैं स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आई गेट दिस सी। अब ये सी क्या है, सी इज द हीट कैपेसिटी। ये एक नई टर्म है जिसको हम जो है, सी होती है हीट कैपेसिटी। चलें इसकी डेफिनेशन भी जो है हम देख लेते हैं। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सैंपल है वाटर का, दिस इज़ वाटर एट 25 डिग्री सी। मैं कहता हूँ जी इसका टेम्परेचर बढ़ के हो जाए 26 डिग्री सी। तो इस 1 डिग्री सी या 1 डिग्री केल्विन का अगर मैं इंक्रीज चाहता हूँ तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, और वो जो हीट मैं दूंगा इसका टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए, दैट विल बी द सी, दैट विल बी कॉल्ड एज द हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम 1 डिग्री केल्विन, 1 केल्विन जो है, 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आप उसको इम्प्रूव करें तो आपके पास कितना जो सा है टेम्परेचर का चेंज आएगा, एट हीट जो कितनी चाहिए होगी, दैट विल बी द हीट कैपेसिटी। तो इस इक्वेशन से आप जो है अपनी बॉम्ब कैलोरीमीटर की हीट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं।
हीट कैपेसिटी की बात की, इसके यूनिट जो उनसे होते हैं दैट इज किलो जाउल पर केल्विन, तो दिस इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी. तो यू नीड टू रिमेंबर द यूनिट ऑफ एस एंड सी, द स्पेसिफिक हीट एंड द हीट कैपेसिटी. तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ की जो है हीट ऑफ कम्बशन जो है डेल्टा एच नॉट सी जो है एंथैल्पी ऑफ कम्बशन वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. अब इसी सारे सिस्टम से बॉम कैलोरीमीटर से रिलेटेड एक एग्जांपल आपकी बुक वाली हम स्टडी करने जा रहे हैं, विच इज़ द एग्जांपल नंबर 3. एग्जांपल नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 7 डेटा. वो कहता है इफ़ यू रीड द स्टेटमेंट, वो कहता है जी 10.16 ग्राम्स ऑफ ग्रेफाइट. तो ये क्या है, दिस इज़ एक बेसिकली द मैस, और मैस में जला किसको रहे हैं, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज़ कार्बन. अगर आप रिमेंबर करें एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, तो उसमें हमने देखा था कि ये कार्बन होती है. तो ये पहला इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. वो कहता है जी 10.16 ग्राम्स ऑफ ग्रेफाइट इज़ बर्नड इन अ बॉम कैलोरीमीटर एंड द टेम्परेचर राइज डेल्टा टी, टेम्परेचर राइज रिकॉर्डेड इज़ 3.87 केल्विन. उसने T1 और T2 नहीं दिया, उसने डायरेक्टली बता दिया कि जो टेम्परेचर का डिफरेंस आया या जो टेम्परेचर बढ़ा वो इतने डिग्री केल्विन, इतने केल्विन था, इतने डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन था. तो 3.87 केल्विन इज़ गिवन. अब हमने फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कम्बशन. रिक्वायर्ड है जी आपके पास डेल्टा एच नॉट सी जो कि होती है एंथैल्पी ऑफ कम्बशन, के जो कार्बन के आपने 10 ग्राम जलाए हैं उसने कितनी हीट निकाली, एंड आपके पास सी जो है हीट कैपेसिटी. अब ये हीट कैपेसिटी किसकी किसकी होगी, आपके पूरे बॉम्ब कैलोरीमीटर की होगी जिसके अंदर वाटर मौजूद है और बॉम्ब के दूसरे पार्ट्स जो से हैं वो मौजूद हैं, तो उस सब की जो सी है कम्बाइंड हीट कैपेसिटी जो आपको है वो भी क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट इज़ 86.02 किलो जाउल पर केल्विन. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा एच नॉट सी, और बॉम कैलोरीमीटर में 10.16 ग्राम्स ऑफ ग्रेफाइट लिए हैं आपने, ये मैस है, और डेल्टा टी जो है आपके पास 3.87 है, और सी आपके पास जो है वो गिवन है. अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. हीट कैपेसिटी जो सी है बॉम कैलोरीमीटर की वो है जी 86.02 किलो जाउल पर केल्विन, और डेल्टा टी आपके पास है 3.87 जो है केल्विन. आपके पास इक्वेशन है क्यू इज़ इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी. ये जो हीट हमारे पास निकलेगी वो इस इक्वेशन से निकलेगी. सी आपके पास मौजूद है 86.02 किलो जाउल पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज 3.87 केल्विन. ये केल्विन इस ओवर वाले बटे वाले केल्विन से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगी तो वी विल गेट द आंसर जो कि है हमारे पास 332.89 किलो जाउल. तो ये हमारे पास Q की वैल्यू जो है वो आ गई. हमें चाहिए Q नहीं, हमें चाहिए डेल्टा एच नॉट सी. तो ये किलो जाउल जो आई है ये तो आई है हमारे सिस्टम के लिए, लेकिन हमें जब इसको मोल से डिवाइड करूँगा, ये किलो जाउल है तो मुझे इसको मोल से डिवाइड करने की ज़रूरत है ताकि इसके यूनिट जो से हैं वो एंथैल्पी के हो जाएं. तो पहले मैं अब मोल फाइंड आउट करूँगा, मोल्स ऑफ कार्बन वो हमें जो फाइंड आउट करने पड़ेंगे ताकि मैं उसको इस क्यू की वैल्यू से डिवाइड करूं और मेरे पास ही एंथैल्पी जो है वो निकल आए. मोल्स ऑफ कार्बन कैसे निकलते हैं, मोल्स इज इक्वल टू किसी भी चीज़ के जो मोल होते हैं वो निकलते हैं जी मास गिवन, जो कि आपको मास ऑफ दैट सब्सटेंस जो कि गिवन होता है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस या एलिमेंट. तो आपको उसने मेंशन कर दिया कि
10.16 ग्राम्स ऑफ ग्रेफाइट ऑफ कार्बन. तो आपके पास जो है मैस आपके पास गिवन है 10.16 ग्राम्स एंड यू हैव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एलिमेंट. कार्बन का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है 12 होता है. तो यहाँ से आपके पास मोल आ जाएंगे. तो इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो आई विल गेट 0.843 मोल्स ऑफ कार्बन. अब जो है मैं क्यू से डेल्टा एच की शक्ल में जा सकता हूँ. आई है डेल्टा एच नॉट सी. इसको जब मैं Q को मोल से डिवाइड कर दूंगा जो कि Q था किलो जाउल और आंसर आ जाएगा किलो जाउल पर मोल में. तो Q मैंने निकाली थी 332.89 किलो जाउल और मोल मैंने अभी पीछे निकाले 0.843 मोल. तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट 395 किलो जाउल पर मोल. ये आ गई नंबर ऑफ मतलब उसका मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास एंथैल्पी ऑफ कम्बस्शन का. लेकिन आपको पता है या कम्बस्शन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कम्बस्शन की डेफिनेशन भी याद करें तो चूंकि किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं तो इन ईच केस हीट विल बी इवॉल्व्ड, एनर्जी विल बी इवॉल्व्ड. तो ये बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि जब मैंने एक मोल कार्बन का ग्रेफाइट वाला जलाया तो मैं इसको जब फाइनली रिपोर्ट करूँगा तो आई विल पुट अप नेगेटिव साइन विद इट. तो आएगा 3-395 किलो जाउल पर मोल. तो ये एग्जांपल थी अबाउट द बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड द इक्वेशन विच इज़ क्यू इज़ इक्वल टू हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी. तो यहाँ तक हम अपने चैप्टर का जो हिस्सा कवर करके आ चुके हैं. इस टाइम हमारा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट 70% जो है वो ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मेनली स्टडी किया था सारी बेस बनाने के बाद. और उस थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ में हमने जो है फिर डिफरेंट जोनसी हैं उसकी एप्लीकेशंस देखी थी और फिर हमने एक और टर्म इन्वॉल्व की थी एंथैल्पी. एंथैल्पी की इक्वेशंस वगैरह स्टडी करने के बाद हमने डिफरेंट एंथैल्पीज को स्टडी किया कि कौन कौन सी एंथैल्पीज जो सी हैं हमारे पास वर्किंग में मौजूद हैं. एंड आफ्टर दैट वी स्टडीड द एंथैल्पी मेजरमेंट्स के एंथैल्पी को हम मेजर जो है वो कैसे कर सकते हैं. तो इस सारा प्रोसीजर जो है हमारा 70% ऑफ द चैप्टर नंबर 7 इज़ कम्प्लीटेड. अब हमारा मेनली एक पोर्शन रह गया है जो कि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन है, जो कि हमारा अगला टॉपिक है. एंड दिस चैप्टर विल बी क्लोज्ड एंड आई होप कि आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी. इट इज़ वेरी ईजी चैप्टर इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री. तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट द बॉम्ब कैलोरीमीटर.